बाबू का बर्थडे पे बना था खीर और पूरी और चन्नी आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी कुछ वजह से नहीं बना। कोई दिक्कत समझ सकते हैं, कोई दिक्कत। फ्रेंड हम पूछना चाहते हैं क्या मतलब जीतिया होता है तो छठ करना जरूरी होता है? हमको तो नहीं मालूम है, बोल रहे हैं लोग कि जीतिया करो तो छठ भी करना जरूरी होता है, तो हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या करें, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, फिर से न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो राधे राधे दोस्तों। तो फाइनली फिर से हम आ गए हैं छत पे, जो कि है 24 सितंबर आज का सुबह का देखिए समय है, जो कि बाबू को लेकर आए हैं छत पर खेलने के लिए। और बाबू का कल बर्थडे मना था तो 20-25 लोग खाए थे खाना, उसकी वजह से मतलब खाना बहुत ज़्यादा उबर गया था। खाना भी आटा वोटा मतलब नहीं बना था, तो वो घर पे भेज दिए। और लोग क्या करेंगे, हम ऐसे फ्रिज में रख के बनाने तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा टाइट टाइट सा हो जाता है। तो पहले दोस्तों हम आए हैं छत पे, पूरा काम वम करके, बर्तन बहुत ज़्यादा था जो कि आप लोग को दिखाएंगे कितना बर्तन बहुत ज़्यादा धोए थे आज, जो कि सुबह सुबह मन पूरा अजीब सा हो गया। तो हम आ गए छत पे और देखिए छत पे आकर बैठे हुए हैं, जो कि केक को खा कर बैठे हैं। केक हमको बहुत अच्छा लगता है केक खाने में, और शाम को वीडियो भी नहीं बना पाए कुछ भी नहीं, क्योंकि दोस्तों बाबू इतना ज़्यादा रो रहा था कहने लायक नहीं, पूरा चिल्ला चिल्ला कर, गर्मी हो रहा था और उसने नया कपड़ा पहन लिया था, इसके वजह से बहुत ज़्यादा रो रहा था। खाना भी बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, कम से कम 7 बज गया था खाना बनाने में, जो कि खाना में बना था खीर पूरी और चन्ना आलू की सब्ज़ी। हम सोचे थे पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए, तो कुछ वजह से हम नहीं बनाए। देख सकते हैं यहाँ पे गैस भी धोल के रख चुके के हैं, सॉरी यहाँ पे कट्ठा उठा देखिए कितना सारा बर्तन धुले हैं। अकेले 5 बजे उठे थे, ये सब काम कर दिए हैं, और ये सब झल रही है जो कि निकाल के मुझे रखना है यहाँ पे। और कूलर भी यहाँ पे लगा हुआ है जो कि रखना है, पापा का टॉर्च है चार्ज में लगाना है, जो उधर कुर्सी उर्सी है इधर कर देना है, धूप अप निकला है नहीं तो कुर्सी उर्सी टूट जाएगा। और यहाँ पे खटिया भी बाहर निकला है, उसको खटिया रखना है क्योंकि दोस्तों धूप लगेगा तो ख़राब हो जाएगा सब सामान। इधर देखिए ऐसे छिटाया पिटाया है, सब संभाल लेंगे। बाबू को लिए हैं गोद में, और गोद में लिए हैं तो जा रहे हैं, खाना तो बना नहीं है अभी, अब बनेगा चावल थोड़ा सा बनेगा। और दोस्तों क्या बताऊँ, और सब्जी उब्जी है तो जा रहे हैं थोड़ा बाबू को सुता देने के लिए। यहाँ पे झाड़ू वाड़ू पूरा लगा दिए, देखिए साफ सुथरा कर दिए हैं, चिकन हो गया है, ये झलरी है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है, एकदम झलरी झलरी। चलते हैं थोड़ा सा देर के बाद मिलते हैं आप लोगों से। ये हमारी तुलसी जी है, ये हमारा रूम है जो कि गिफ्ट मिला है बहुत सारा बाबू को, देखिए दिखा देते हैं नहीं तो। ये है गाड़ी एक मिला है बाबू को, और गुड्डा चॉकलेट, और फ्रिज में है और सब सामान जो कि यहाँ पे हमारा साड़ी जो खोल के आधे घंटे पहने थे, और अब देखिए यहाँ पे कपड़ा फेंका हुआ है जो कि 5 मिनट भी नहीं पहना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे यहाँ 25 तारीख को तीज पड़ा है, और आज है 24 सितंबर, जो कि आज खाना है बोला जाता है, जो कि हम तीज नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम ये बोल रहे हैं ना कि तीज करना मतलब करेंगे जो मतलब लोग, उससे मतलब छठ भी करना ज़रूरी होता है ऐसे मतलब बोले, दादी भी बोली, और मतलब जहाँ पे मतलब फ़ोन करके पूछे तो वो भी बोल रहे थे लोग कि तीज करना तो छठ करना भी ज़रूरी है, इसकी वजह से हमने तीज नहीं किया। क्या ये सच है गलत है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो हमको तो मालूम नहीं है, जो मतलब बोली लो उसी की वजह से हम सोचे कि नहीं रहने देते हैं, जब मतलब छठ उठाएंगे 5 साल के बाद हम छठ करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि बाबू थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, दिक्कत होता है कुछ भी संभालने उम्भालने में, इसकी वजह से हम छठ भी नहीं कर पाए और झूठिया भी नहीं कर पाए। क्योंकि दोस्तों पता है छठ पूजा में ना कोई भी काम गलती नहीं किया जाता, कोई भी झूठ काटा ऐसे छुआ नहीं जाता। अब बाबू थोड़ा छोटा है इसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो छठी माई से सॉरी मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। और जितिया देवता से तो हम कर मतलब बोलते हैं ना कि जिसका बेटा हो जाए तो छठ कर मतलब जितिया करना चाहिए, और सास रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और सास नहीं है तो करना चाहिए। तो हम मतलब कंफ्यूज हो गए हैं, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं, इसको जैसे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या मतलब मैं गलत कर रही हूँ कि सही कर रही हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो हम जा रहे हैं थोड़ा चावल बनाने के लिए, सब्जी है कल रात वाला, तो